हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक इन योर ऑन चैनल बेस ऑफ स्टडी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार बेस ऑफ स्टडी में। आज थोड़ी वीडियो आने में लेट हो जाएगी क्योंकि मैं एक पार्टी में गई थी और डायरेक्ट वहीं से आकर इसको बना रही हूँ, लेट हो गई थी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस आज का क्या है। ये लड़के 10 मिनट से शोर मचा रहे थे। क्या लिखा हुआ है? ये लड़के 10 मिनट से शोर मचा रहे थे। तो आपने देखा सेंटेंस में लिखा रहे थे। रहे थे किस चीज को दिखा रहा है कि कंटिन्यू है, और टाइम भी दिया गया 10 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया? परफेक्ट में पहुंच गया। तो हमारा सेंटेंस किस आपने पहचान लिया किस टेंस का हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमने देखा ये लड़के, तो क्या हो जाएगा? दीज बॉयज। ओके, उसके हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, वीन। ओके, हमें अब चाहिए मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है? शोर मचाना। मेक में क्या ऐड कर देंगे? आई एन जी, मेकिंग अ नॉइज। ओके, अब कब से? 10 मिनट से। फॉर 10 मिनट्स। ठीक, सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या सीता 2 घंटे तक मंदिर में बैठी रहेगी? तो आपने देखा सेंटेंस किस शब्द से स्टार्ट हो रहा है? क्या शब्द से, और लास्ट में दिया गया है रहेगी, रहेगा। ये किसको दिखाते? कंटिन्यूस को। और समय भी दिया गया 2 घंटे, यानी परफेक्ट। तो सेंटेंस कौन किस टेंस का हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो जब सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस हम किससे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सीता है तो हम क्या लगाएंगे? विल। उसके बाद लिखेंगे हम हैव बीन। अब मेन वर्ब है बैठना, तो बैठना की क्या होती है? सिट। और तो क्या हो जाएगा? सिटिंग। ठीक, कहाँ बैठी है? मंदिर में, इन द टेम्पल। कब से बैठी हुई है? कब से बैठी रहेगी? फॉर 2 आवर्स। ओके, और क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ये माली इस बाग में 2 वर्ष तक कार्य करते रहेंगे। सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो ये मालिक, यानी बहुत सारे हैं, दीज गार्डनर, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, मैन वर्ब चाहिए अब हमें, वो क्या है? कार्य करना, वर्किंग। कहाँ करते रहेंगे? इस बाग में, इन दिस गार्डन या ऑर्चार्ड। कब? फॉर 2 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हें कौन सा लड़का दिन भर चिढ़ाता रहेगा? क्या लिखा हुआ है? तुम्हें कौन सा लड़का दिन भर चिढ़ाता रहेगा? कौन सा, कौन सी, ये क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक, क्वेश्चन वर्ड यानी कि आपका सेंटेंस कैसा हो गया? इंटरोगेटिव। तो हम इसी को सबसे पहले लिखेंगे, कौन सा लड़का क्या हो जाएगा? विच वॉइस। अब हमें चाहिए विल, हैव बीन, चिढ़ाना की होती टीज, टीजिंग किसे? तुम्हें। ठीक, दिन भर, द होल डे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। यह वृद्ध महिला 1 सप्ताह तक क्यों पानी लाती रहेगी? तो आपने देखा क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में आया है, जो एक क्वेश्चन वर्ड है, जो हम क्या करेंगे? सबसे पहले राइट कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है? बिल। यह वृद्ध महिला, दिस ओल्ड लेडी। उसके बाद राइट करेंगे हम हैव बीन, पानी लाना, लाना की क्या होती? ब्रिंग। तो क्या हो जाएगा? ब्रिंगिंग वॉटर। कब से? 1 सप्ताह तक। फॉर अ वीक, क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते। सीला कुछ समय तक कपड़ों पर प्रेस नहीं करती रहेगी। ये एक कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो कैसे बनाएंगे? सीला, हेल्पिंग वर्ब विल, अब नॉट भी दिया गया तो नहीं, आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट पहले, सीला विल नॉट हैव बीन
क्या नहीं करती रही, प्रेस नहीं करती रही, यानी आयरनिंग द क्लॉथ्स कब से, फॉर सम टाइम। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या पिताजी सुबह से समाचार पत्र नहीं पढ़ते रहेंगे। आपने देखा क्या शब्द भी आया है, नहीं शब्द भी आया है, तो ये किस चीज को दिखा रहा है, इंटरोगेटिव निगेटिव दोनों को दिख रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट द फादर, आफ्टर सब्जेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज करते हैं, नॉट लिख देंगे। उसके बाद है बीन, अब हमें चाहिए मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, पढ़ना, रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे द न्यूज पेपर। ठीक, कब से, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग। फ्यूचर के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, सिंस का नहीं। ओके, इतना जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे और सेंटेंसेस को देख लेते हैं, वो क्या है देखते हैं। ये लड़कियां बहुत समय से गीत गा रही थी, तो ये सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, रहा था, रही थी, समय भी दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, दीज गर्ल्स हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, गीत गा रही थी, सिंगिंग सॉन्ग्स, कब से गा रही थी, बहुत समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम 1990 से यहाँ नहीं रह रहे थे। तो आपने देखा सेंटेंस में क्या शब्द भी है और नहीं भी है, तो सेंटेंस कैसा होगा, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है, हैड यू, उसके बाद नॉट भी है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आफ्टर सब्जेक्ट नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यू नॉट, उसके बाद लिखेंगे हम वी, रहना की होती लिव, तो लिविंग, यहां तो हियर, कब से, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो हम लगाएंगे सिंस, सिंस 1990। ओके, और क्वेश्चन मार्क, नया सेंटेंस देख लेते हैं। यह लड़की 5 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी, तो कौन सा, कौन सी, एक क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन मार्क से पता चला इंटरोगेटिव है, तो क्या होगा, विच नॉवल, विच नॉवल। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, सब्जेक्ट यह लड़की, दिस गर्ल, उसके बाद यूज करेंगे हम वी। ठीक, मेन वर्ब है रीड, तो हो जाएगा रीडिंग, कब से, 5 मिनट से, फॉर 5 मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वे आगरा में कब से रह रही थी, कब से का मतलब ही टाइम को रिलेट कर रहा है, कब से, हाउ लॉन्ग, क्या होगा, हाउ लॉन्ग, कब से रह रहे थे, तो हम राइट करेंगे हाउ लॉन्ग हैड दे वीन लिविंग, रहना की लिविंग, कहाँ रह रहे थे, आगरा में, इन आगरा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह कुछ समय तक यहाँ नहीं रुकता रहेगा, तो अब ये आपने देखा रहेगा, यानी कि फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, समय भी दिया गया है, तो किसका हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो क्या लिखेंगे हम, ही और विल हैव बीन, नॉट भी है, तो विल के बाद यूज करेंगे नॉट हैव बीन। रुकना की स्टॉप, तो लिख जाएगा स्टॉपिंग, कुछ समय तक, तो फॉर सम टाइम। आगे देखते कौन सा सेंटेंस है। क्या माताजी 4 घंटे से नाश्ता तैयार करती रहेंगी, ये भी फ्यूचर का सेंटेंस है, तो हम बनाएंगे क्या से स्टार्ट है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे,
आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, विल द मदर हैव बीन प्रिपेयर में आईएनजी प्रिपेयरिंग, क्या तैयार करते करेंगे द ब्रेकफास्ट, कब से फॉर 4 आवर्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। रमेश का पुत्र 1 सप्ताह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, तो आपने देखा क्या लिखा है, 1 सप्ताह समय और टाइम भी है, तो ये था आ रहा है तो किसका सेंटेंस है, पास्ट का है, तो हम बनाएंगे रमेश, अच्छा रमेश सन कर देते, ठीक है, रमेश सन, या ऐसे भी लिख सकते थे द सन ऑफ रमेश, ठीक है, हमने यहाँ अपोस्ट्रोफीएस का यूज कर लिया। हैड नॉट वीन रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा था, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, कब से, 1 सप्ताह से, फॉर अ वीक। ओके, ठीक, तो आपने सभी सेंटेंस को अच्छे से बनाया होगा और आज जो भी सेंटेंस हम पढ़ा रहे थे वो सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, तो कल से हम नेक्स्ट नए टॉपिक को लेकर आएंगे, वो आप कमेंट में बताएं कि आप और अपनी इच्छा से क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, तब तक रखें अपना ध्यान, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।